तो है गाइस न्यूज़ बॉय तो फसम बागलते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार ने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया है ना। क्या कैरी मिनाटी ने पुनीत सुपरस्टार को कॉल किया था उनके एक वीडियो के लिए एंड पुनीत सुपरस्टार ने वो रिजेक्ट कर दिया। ये सब चीजों के बारे में वो एक पॉडकास्ट में बात की। सबसे पहले तो पुनीत सुपरस्टार बताते जो अमित भड़ाना है, भुवन बाम है, राउंड टू एल है, एलविश यादव है, कैरी मिनाटी है, इनका कोई फेस वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं आजकल बहुत सारे लोग फेक सब्सक्राइबर्स फेक व्यूज भी ले रहे यूट्यूब पर आकर, उनको नीचे खड़ा कर। भाई पर इनका फेस वैल्यू है, कैसे तुम बोल सकते हो कि इनका इनका फेस वैल्यू ही तो है भाई। मतलब पता नहीं क्या बोल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। 100 लोग अगर होंगे नीचे तो दो लोग भी उनको नहीं पहचानेंगे। जिसकी फेस वैल्यू है आज की डेट में वही हीरो है, ब्रांड है। तो पॉडकास्ट के होस्ट है, वो कहता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो आप। तो उसका पुनीत सुपरस्टार रिप्लाई करता है कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कौन जानता है कैरी मिनाटी, अमित भड़ाना, राउंड 12, एलविश यादव को। फिर वो बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी ने उनको एक वीडियो के लिए कॉल किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कैरी मिनाटी ने मुझे 12-13 बार फोन किया था, उसने मुझे बोला कि हमें ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करनी और कुछ यूट्यूबर्स हैं उनको। देखो ये जितना भी बात बोलता है भाई, मुझे इसके आधे से ज्यादा बात तो फेक ही लगते हैं। बट पता नहीं भाई अब ये सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई ये बंदा लिटरली किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है पॉपुलैरिटी के लिए एंड पैसे के लिए। तो इसका कोई इतनी क्रेडिबल, मतलब इसकी बातों को मैं उतना सीरियसली नहीं लेता है, ना इसकी इसकी क्रेडिबिलिटी पर मुझे बहुत शक है भाई। गाली गलौज करनी है। मैंने फिर कैरी को बोला मैं गाली गलौज नहीं करता हूं, मैं कंट्रोवर्सी करता हूं। तो जो होस्ट कर रहे थे वो बोलते हैं दीपक लाल के साथ कर लिया फिर आपने। तो उसका पुनीत सुपरस्टार रिप्लाई करते हैं नहीं, दीपक लाल के साथ मैंने कभी मां बहन का गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ नॉर्मली चीजें बोली। लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे आके मां बहन की गाली नहीं दी, ना मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे पब्लिक मुझे हेट करने लगे या पब्लिक ये बोले कि यार पुनीत सुपरस्टार बोरिंग हो गया। वो कैरी की बात देखो, मैं जानता हूं भाई यूट्यूब का गेम कैसे चलता है, तो चांसेस है कि ये जो बोल रहा है वो सही भी हो। बट आजकल कितने लोग गाली देते हैं, कैरी मिनाटी ने अपने रोस्ट में व्लॉग में कितना गाली दिया, लेकिन भाई मैं नहीं देता। तो मुझे जब उसने फोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा करना है, गाली देना यूट्यूबर्स को, तो मैंने बोला मैं गाली वाली नहीं दूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई फिर हम तुम्हें नहीं बुला सकते। तो मैंने कहा ठीक है भाई नहीं बुला सकते तो मत बुला। और रिसेंटली आपको पता होगा पुनीत सुपरस्टार का न्यूज़ कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। हर भाई जोगिंदर काफी सारे वीडियोस बनाए थे, वो अपडेट्स दिए थे, क्या वो फेक कर रहे थे पब्लिसिटी के लिए और ज्यादा वायरल होने के लिए। उसके बारे में जब होस्ट ने उनसे पूछा तो बोले मैं एक्चुअल में एडमिट हुआ था, हार्ट अटैक नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लिया था तो चेस्ट पे बहुत पेन था, तो जोगिंदर मेरे साथ था। तो सुन लो भाई, उस बंदे ने बोला, वो जो जोगिंदर था उसने बोला कि भाई इससे हार्ट अटैक आया और ये बोल रहा है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लिया था तो मुझे चेस्ट में पेन हो रही थी। वाव सर, मतलब इस चीज को आप इस लेवल पे करके दिखाते हो और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि लोग आप पे विश्वास करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। या था मुझे डॉक्टर ने फिर कहा था दो दिन नहीं रुक जाओ, नॉर्मल चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी लेकिन जेन्युइन थी। सो ऐसे ही सब बताएं और भी कई सारी चीजों के बारे में बात किए। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना।